हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए हमने अपने चैनल पर स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटिंग का हिंदी वर्जन। यानी कि अगर हम बात करें तो सीधी सी भाषा में बात चल रही है, लेखांकन, पुस्तपालन, जनरल, ट्रायल बैलेंस, ये सब हम हिंदी स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी तरह से डिसाइड करके लाए हैं कि आप सभी को अकाउंटिंग की बारीकियां सिखानी ही सिखानी है। साथियों, जो टॉपिक हम आज आपके लिए यहां पर लेकर के आए हैं बताने के लिए, तो हमारा टॉपिक है पुस्तपालन और लेखांकन का। एक स्ट्रक्चर हम वीडियो के द्वारा समझाने वाले हैं। बोर्ड पर मैंने ऑलरेडी अपना वर्क कर दिया है और काफ़ी कम समय में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम पुस्तपालन और लेखांकन के स्ट्रक्चर को समझेंगे। साथियों, मैं आपको बहुत ही रिलैक्स मोड में पहले तो ये बोल दूं कि आपको अकाउंटिंग समझने के लिए कभी भी रटिफिकेशन तो करनी ही नहीं है। दिमाग में आपको कोई भी बात रटनी नहीं है कि पुस्तपालन ये है या अकाउंटिंग ये है, कुछ नहीं। साथियों, आपको अपने ही शब्दों के साथ खेल खेलना है, अपने ही शब्दों के साथ आपको समझना है, अपने ही व्यूज़ के साथ आपको चलना है। आपको जिस तरह से समझ में आ रहा है उस तरह से आपको समझना है। पुस्तपालन का मतलब आप समझ ही गए हैं। पुस्तपालन यानी कि स्टार्टिंग में जो ट्रांजेक्शन ऑकर हुई, यानी कि ट्रांजेक्शन बनी हमारी। ट्रांजेक्शन व्यापार में केवल मात्र मौद्रिक जो लेन देन होते हैं उनको कहा जाता है। बात हम बहुत बार कर चुके हैं कि जो लेन देन धन के रूप में हुए हैं वही क्या है, ट्रांजेक्शन है। मैंने पानी के बदले किसी को चाय पिला दी, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। मैंने पानी दिया, उसने मुझे पैसे दिए, ये हो गया ट्रांजेक्शन, ठीक। तो पुस्तपालन कहाँ तक सीमित हो जाता है और उसके बाद लेखांकन कहाँ पर स्टार्ट होता है, यही कहानी अब तक चल रही है जिसको हम रटने का प्रयास करते हैं। स्कूल में भी हम रटते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, लेकिन टेंशन का हल आपको कॉमर्स की दुनिया पर मिल ही जाएगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पुस्तपालन यानी कि बुककीपिंग। बुककीपिंग क्या है? बुककीपिंग है अकाउंटिंग का ही भाग होता है, यानी कि लेखांकन का ही एक भाग है, छोटा सा भाग, जिसमें क्या किया जाता है। सबसे पहले तो लेन देनों को हम जाँचते हैं कि लेन देन वाकई में मौद्रिक है या नहीं है। फिर इसके बाद हम स्मारक पुस्तक होती है, जो मेमोरेंडम बुक्स होती हैं, उनका प्रयोग करते हैं, मेमोरेंडम बुक, ठीक, मेमोरेंडम बुक का यूज करते हैं हम लेन देन यानी कि ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो ट्रांजेक्शंस हैं मौद्रिक है या नहीं। फिर उन्हें कच्ची किताब में, यानी कि एक कच्चे चिट्ठे के तरह से हम कहीं रबर बुक पे लिख लेंगे। उसके बाद जो है उनका रोज नामचा करेंगे, यानी कि जनरल एंट्रीज में उन्हें बाकायदा नियम के अनुसार, जो अकाउंटिंग के नियम होते हैं उसके अनुसार जो है उनकी हम एंट्रीज करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको समझने की बात है कि अगर आपका व्यापार छोटे स्तर का है तो आप जनरल बना लेते हैं, अन्यथा की दृष्टि में बड़े व्यापारी जो करते हैं अपने यहाँ पर कुछ बुक्स प्रिपेयर करते हैं जिन्हें सब्सिडरी बुक्स कहा जाता है, सहायक बहियाँ। और ये सारी वीडियोस मैंने इंग्लिश वर्जन में जो हैं आज से लगभग 6-7 महीने पहले बनाई हुई हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वो सारी वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा। एक चीज और मुफ्त की एडवाइस आप सभी के लिए, जितने भी मेरे साथी हिंदी मीडियम के हैं, मैं भी हिंदी मीडियम कर रहा हूँ, आई वॉज ऑल्सो ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट बट आई नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज अकाउंटिंग इन हिंदी। मैं आपको केवल मात्र इतना कह रहा हूँ कि अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे, यानी कि आपने कॉमर्स लिया ही है, तो यार चेंज योर माइंडसेट, आप अपने बुद्धि को जो है डाइवर्जन में लाइए और इंग्लिश में ही पढ़िए, मजा आएगा आपको। एक तो आपकी पर्सनैलिटी में अंतर आ जाएगा। कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं, मैं हमेशा से मानता हूँ, एक स्टड के रूप में देखे जाते हैं। कॉमर्स वाले स्टूडेंटों को यार एक अलग सी फीलिंग आती है, मैं तो मानता हूँ। कुछ लोग जैसे साइंस वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें थोड़ा एटीट्यूड होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस वाले बंदे बेकार होते हैं या आर्ट्स वाले बंदे बेकार होते हैं, बट मेरा क्या है ना, ये है कि कॉमर्स वाले बंदे किसी से कम नहीं होते हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो वीडियो देखने के बाद ज़रूर आप इसके कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है।
उकसा नहीं रहा भाई, आपका सपोर्ट ले रहा हूँ, अपना सपोर्ट ले रहा हूँ, और आज जो हम करने जा रहे हैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ। खाता वही यानी कि लेजर, तो जो हमारी बुक कीपिंग होती है वो लेजर पर एंड हो जाती है जा करके। हमने लेजर बना दिए और हमारी बुक कीपिंग एंड हो गई। इसके बाद शुरू होती है साथियों अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर होता है स्टार्ट ट्रायल बैलेंस से, कि जो आपने खाते यानी जो आपने खाता वही की है, लेजर पोस्टिंग की है, क्या वो सही है या नहीं तलपट के द्वारा आपको पता चलेगा। और ये ट्रायल बैलेंस के थ्रू आपको अकाउंट्स जो हैं प्रिपेयर करने होते हैं, फाइनल अकाउंट्स यानी कि ये जो अंतिम खाते होते हैं, फाइनल अकाउंट आपको प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, अब फाइनल अकाउंट्स कैसे आप प्रिपेयर करेंगे साथियों? फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए आपको तीन अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, या फिर जिसे बोल सकते हैं आप ट्रेडिंग अकाउंट साथियों, मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। एक होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और एक होता है आपका फाइनल बैलेंस शीट। ये कोई अकाउंट अकाउंट नहीं होता है। आपके लिए सोचने वाला क्वेश्चन मैं आज आपको बोल रहा हूँ। अगर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं और आपने अभी बैलेंस शीट प्रिपेयर की है, तो आप एक क्वेश्चन अपने दिमाग में डालिए और इसका आंसर मुझे बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, कि बैलेंस शीट में टू और वाई क्यों नहीं लगाया जाता, आपको बताना होगा मुझे। ठीक है, जब आप नहीं बता पाएंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको बताऊं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस कहाँ से शुरू हुई साथियों? तलपट के प्रिपरेशन से। तलपट आपने बनाया, अकाउंटिंग शुरू हो गई। बुक कीपिंग कहाँ पर खत्म हुई? लेजर पर बुक कीपिंग खत्म होती है और ट्रायल बैलेंस पर अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। यानी कि कहना चाहिए जो बुक कीपिंग होती है इज एन बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का ही पार्ट है बुक कीपिंग। ठीक, तलपट बनाया, तलपट में हमने क्या चेक करा? जो लेजर बनाए हैं हमने, जितने भी खाता वही में हमने खाते देखे हैं, उनकी जो बैलेंसेस आई हैं क्या वो सही है या नहीं। तलपट एक खातों की जो गणितीय शुद्धता है यानी कि मैथमेटिकल दृष्टि से क्या वो सही है या नहीं उसका पता लगा लेता है। फिर हम अगर सही है तो हम क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट अगर हमारी मैच कर जाती है तो इसका मतलब हमारे खाते वगैरह सब सही हैं। उसके बाद बड़े स्तर पर क्या किया जाता है? एनालिसिस किया जाता है, जो कंपनी वाले करते हैं, कंपनी में होता है एनालिसिस। एनालिसिस किस तरह का एनालिसिस किया जाता है भाई? फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाती है बैलेंस शीट के द्वारा। हम देखते हैं कि हमारा फंड फ्लो क्या है, कैश फ्लो क्या है, सोलवेंसी कंडीशन क्या है, हमारा कैश कैश का कितना हमारा इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, यानी कैश फ्लो में आ जाएंगे वो तो। ठीक, हमारी डेटा टर्नओवर क्या है, हमारा स्टॉक टर्नओवर क्या है, यानी कि ओवरऑल हम डीपली जानकारी लेते हैं जो मैनेजमेंट स्किल्स में आती है। तो यहाँ पर आज हम रुकने जा रहे हैं। और साथियों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये इतना हार्ड विषय नहीं है, इसे समझने में बड़ा मजा आएगा। बस आपको क्या करना है, कॉमर्स की दुनिया पर बने रहना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने उन सभी फ्रेंड्स को भी इस चैनल का लिंक जरूर शेयर कर दें जो अभी सो रहे हैं। सोने को सोते हुए को जगाना का काम ही आपका है, हमारा है। ठीक, और उन सभी को इस कॉमर्स की दुनिया की गैलेक्सी में जोड़ के लाना है, स्टार बनना है। आप तो प्लेनेट बन चुके हैं। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए कॉमर्स की दुनिया के साथ।